गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। प्लीज कंफर्म करिए मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। आई एम ऑडिबल। वेरी गुड इवनिंग डियर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग धीरज, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से। चलिए ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सेमी सॉलिड। क्या है? सेमी सॉलिड। आज हम जो हमारी क्लास है वो है थ्योरेटिकल क्लास, तो सेमी सॉलिड से रिलेटेड जो भी हमारे डोजेस फॉर्म है, लाइक ऑइंटमेंट है, जेली है, जेल है, उसके बारे में क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं या क्या आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए। पवन पटीदार सर, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट? बच्चे, सस्पेंडिंग एजेंट वो होते हैं आपके जो कि आपके इनसॉल्युबल सॉलिड आपके मटेरियल होते हैं जो कि सस्पेंशन में होते हैं, और इमल्सिफाइंग एजेंट वो होते हैं जो आपके जो दो इमिसिबल आपके फेज होते हैं उनको क्या कराते हैं, मिक्स कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए। चलिए आते हैं आज की क्लास पे जो कि हमारा सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी जो हमारा मैटर होता है उसकी तीन स्टेज होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ वन होती है सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड क्या होता है? सेमी सॉलिड हमारे वो डोजेस होते हैं या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जो ना तो कंप्लीटली सॉलिड होते हैं और ना तो कंप्लीटली लिक्विड होते हैं, यानी कि उसमें सॉलिड और लिक्विड वो दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं? दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों की। अब इसमें जो हमारा मेडिकामेंट है यानी कि जो भी हमारा एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो या तो इसमें डिस्पर्स्ड रहेगा, सपोज ये हमारा क्या है, सेमी सॉलिड है, इसमें या तो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहेगा या फिर इमल्सीफाइड रहेगा, यानी कि कंप्लीटली इसमें इमल्सीफाइड रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम सेमी सॉलिड की बात करते हैं तो ये क्या है, अब हम सेमी सॉलिड को क्या इंगल्स तो कर नहीं सकते, निगल तो नहीं सकते टेबलेट की तरह, और ना तो कंप्लीटली लिक्विड की तरह हम उसको पी सकते हैं क्योंकि ये इरिटेशन भी कॉज कर सकता है और भी सारी कई चीजें। तो जो भी हमारी सेमी सॉलिड हमारी डोजेस होती हैं वो एक तरीके के एपीआई प्लस बेस। बेस हमारा वो होता है जो कि हमारा एपीआई को कैरी करता है, मतलब एज ए व्हीकल काम करता है। अलग अलग डोजेस फॉर्म में अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है, लाइक आपका अगर आप टेबलेट पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं हमारे एक्सीपिएंट्स आ जाते हैं, अगर हम आपका लिक्विड पढ़ेंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें आपके व्हीकल्स आ जाते हैं जो कि यूजुअली हम वाटर यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली वाटर यूज होता है। तो उसी तरीके से जो हमारे सेमी सॉलिड होते हैं उसमें हमारे बेस यूज होते हैं, लाइक ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं जो कि मेनली चार तरीके के होते हैं, उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होती है, यूजुअली ये क्या होती है, इसमें हमारा जो एपीआई होता है वो क्या होता है, या तो डिस्पर्स रहता है, एक सूटेबल बेस में क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहेगा, या फिर उसमें इमल्सीफाइड रहेगा, डिजोल्व रहेगा। ठीक है, अब सेमी सॉलिड जो हमारी डोजेस है मेनली हम उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं क्योंकि हम उसको इंगल्फ कर नहीं सकते जो कि इरिटेटिव होगा और वो कंप्लीटली पॉसिबल भी नहीं है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोकल एक्शन के लिए हम सेमी सॉलिड का यूज करते हैं, सिस्टमिक एक्शन के लिए भी हम कई बार सेमी सॉलिड डोजेस का यूज करते हैं। तो अगर हम सेमी सॉलिड कहाँ अप्लाई करते हैं, स्किन पे, तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो बैरियर होता है, मतलब जो कौन सी ऐसी हमारी स्किन की लेयर है, ठीक है, जो एज ए लिमिटिंग फैक्टर यानी कि एज ए बैरियर काम करती है, तो वो आपका कौन सी है, रेट लिमिटिंग बैरियर काम करती है, वो होती है आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम। इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ये आप याद रखिएगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है वो आपकी क्या होती है, रेट लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में बात कर रहे हैं तो स्किन की लेयर्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे अपर मोस्ट जो होती है वो होती है हमारी इपी डर्मिस, देन आती है हमारी क्या,
डर्मिस, देन आती है हमारी हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस, इसी को भी हम क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस भी बोलते हैं। तो हमारी जो इपीडर्मिस होती है उसके मेनली फाइव पार्ट्स होते हैं, फाइव लेयर्स होती हैं। तो आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन से लेयर होते हैं विद सीक्वेंस। मैं आपको ट्रिक भी डिस्कस करूंगा कि कौन सी वो ट्रिक होती है। वेरी गुड सरल, स्ट्रेटम कॉर्नियम आपने सुना होगा, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। अगर हम सी एन की जगह सी एल लिख दें, सी एल जी, सी एन जी सबसे गुड होती है, हाँ, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता। चलिए, तो सी एल जी सबसे गुड, ठीक है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम पहली क्या आई हमारी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन स्ट्रेटम लूसिडम, सेकेंड वन क्या हुई हमारी, स्ट्रेटम लूसिडम, थर्ड वन आती है कौन सी हमारी, थर्ड वन कौन सी है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, कौन सी, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। देन फोर्थ वन कौन सी है हमारी, एनी वन, स्ट्रेटम स्पिनोसम, एंड लास्ट में आती है हमारी स्ट्रेटम जर्मी नेटम, या फिर उसको बैसल भी हम बोलते हैं, बैसल लेयर भी बोलते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी पांच लेयर है जो कि इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में याद रखिएगा, सी एल जी सबसे गुड, फर्स्ट वन होती है आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पिनोसम एंड जर्मिनेटम। तो चलिए आते हैं आगे, हम डिस्कस करते हैं सेमी सॉलिड्स में। तो मेन जो हमारे सेमी सॉलिड्स होते हैं उसमें हम जो स्किन की बात करते हैं, स्किन जो होती है मेरी, हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट मल्टी लेयर ऑर्गन होती है, ऑर्गन सिस्टम होता है किसका, बॉडी का। अब स्किन का सरफेस एरिया भी आपका कई बार पूछा हुआ है, जो कि आपका एज ऑन एवरेज 1.72 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1.72 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी पे आपका डोजेस फॉर्म में भी इसका कैलकुलेशन इस पे होता है, ठीक है। तो पीएच की बात करते हैं, पीएच जो होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है एग्जाम में, फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यूजुअली स्किन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो वो अराउंड आपका 4 to 5.6 होता है। देन हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेट लिमिटिंग बैरियर होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, कौन सा होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। देन उसके बाद आता है हमारा क्या, एक्सिलरेंट। एक्सिलरेंट क्या होते हैं, एक्सिलरेंट हमारे वो एजेंट होते हैं जो किसी ना किसी तरह आपका जो पेनिट्रेशन का रेट है, रेट ऑफ पेनिट्रेशन, जिस रेट से हमारी जो ड्रग है वो स्किन में पेनिट्रेट कर रही है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, आपका स्वेलिंग कॉज करते हैं, कहाँ पे, स्ट्रेटम कॉर्नियम में, और उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, किसकी, स्ट्रेटम कॉर्नियम की। ये कौन है, एक्सिलरेंट है। अब एक्सिलरेंट के एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, लाइक आपका यूरिया है और SLS है, देन उसके बाद आता है डाईमिथाइल एसिटामाइड, डाईएथाइल फॉर्मामाइड और सल्फॉक्साइड। ये आपके कौन है, ये आपके हैं एक्सिलरेंट्स हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेनिट्रेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहला आता है हमारा फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ स्किन, यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जो भी हमारी स्किन की लेयर है, स्किन की जो आपकी थिकनेस है, मोटाई है, वो अलग अलग होती है। सपोज फेस की अलग है, हील की अलग है, तो वो भी आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना पेनिट्रेशन आपका स्किन में होगा। देन आता है पैथोलॉजिकल कंडीशन, सपोज कोई आपका स्किन का एरिया वो क्या है, इन्फेक्टेड है, लाइक वहां पे आपका फंगल इन्फेक्शन है या कहीं पे आपकी रेडनेस है, ये सारे भी आपके पैरामीटर्स क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे किसको, फैक्टर को, पेनिट्रेशन को अफेक्ट करेंगे। देन आता है आपका क्या, डोज कंसंट्रेशन, डोज कंसंट्रेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाइक कितनी डोज आपकी प्रेजेंट है, कितनी डोज आपकी प्रेजेंट है, अगर ज्यादा डोज है तो आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर डोज बहुत ज्यादा कम है तो वो आपका उस हिसाब से बायोलिबिलिटी भी डिपेंड करेगा उस पर। देन आता है आपका सॉलिबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशियंट। अब सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो ड्रग हमारी लाइपोफिलिक होगी वो क्या होगी, वो लिपिड लविंग होगी, तो वो क्या होगी, इजिली हमारी क्या करेगी,
लिपिड को, लिपिड लेयर को क्रॉस करेगी। सबसे बड़ा चैलेंज फार्मा में हमारा यही आता है कि ड्रग हमारी ना तो बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए और ना तो बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक हो गई तो वो जो हमारी लेयर है, किसकी, सेल की जो लेयर है, फास्फोलिपिड की जो लेयर है, उसको पेनिट्रेट नहीं करेगी। और बहुत ज्यादा अगर वो लिपिड सॉल्युबल हो गई तो वो हमारे सेल से, जो फास्फोलिपिड सेल है, उससे वो एक्सक्रीट आउट ही नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे चैलेंजेस आते हैं। देन इफेक्ट ऑफ व्हीकल विस्कोसिटी, जो भी हमारा व्हीकल है उसकी विस्कोसिटी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। देन पीएच, पीएच जो क्या है वो भी हमारा ऑलमोस्ट स्किन के स्क्वल होना चाहिए। देन आता है हमारा क्या, एडिटिव्स पे आते हैं। एडिटिव्स हमारे कौन कौन से हैं, लाइक हमारा रूट ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू लेयर ऑफ स्क्रीन। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो भी हमारा ड्रग का पेनिट्रेशन है स्किन में वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा, या तो पोर्स के थ्रू होगा या तो वो डायरेक्ट सेल में पेनिट्रेट करके होगा। अगर वो पोर्स के थ्रू होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा इंटरसेलुलर रूट। क्या कहलाएगा, इंटरसेलुलर रूट। यस डियर, बहुत मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती है वो हाई लिपिड होती है। लाइक आपकी ग्रेसियोफ्लेविन ले लीजिए, तो उस केस में क्या होता है, उसको हम हाई लिपिड, जो भी हमारा ड्रग है जो फैट रिच है, डाइट फैट रिच है, उसके साथ इंटेक करते हैं ताकि उसकी बायलेबिलिटी इंक्रीज करे। क्योंकि जीआई फ्लूड तो आपका वाटर ही है, बट वहां पे हम क्या करेंगे, फैटी डाइट लेंगे ताकि उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो। यस डियर, मॉलिक्यूलर वेट भी उसका 6000 डाल्टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात किया, जो हमारा रूट है, पोर्स है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, इंटरसेलुलर। और अगर डायरेक्ट वो आ रही है तो हमारा क्या है, ट्रांससेलुलर रूट हुए। देन ये हमारे स्पेसेस के बारे में यहाँ डिस्कस किया है कि कौन से हमारे इंटरसेलुलर स्पेस है। देन उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल सल्फेट जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। लिपिड जो होता है, केराटिनिन जो हमारे अल्फा केराटिनिन बीटा केराटिनिन होते हैं, ये सारे भी क्या करते हैं, एज ए पेनिट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, किसके, सेमी सॉलिड के। सेमी सॉलिड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट सेकेंड वन क्या है, पेस्ट। पेस्ट से हमारा मेनली क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि उसका कितना आपका वो इनसॉल्युबल सॉलिड रिटेन करता है। देन 50% मैक्सिमम 50%। देन क्रीम्स, जेली, जेल्स। तो चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट हम सभी ने पढ़ा होगा। ऑइंटमेंट में मेन क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी आता है कि प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आपके मेनली चार मेथड होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें ऑइंटमेंट के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये ग्रीसी प्रिपरेशन होती है। क्या होती है, मेनली ग्रीसी प्रिपरेशन होती है जिसमें सॉलिड जो हमारे मेडिकामेंट होते हैं या तो उसमें इमल्सीफाइड होते हैं या तो उसमें क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इमल्सीफाइड या सस्पेंडेड रहते हैं। किसमें, ऑइंटमेंट बेस में। और जो बेस होता है वो हमारा किस तरह काम करता है, एज ए व्हीकल काम करता है। लोकेटेड और अकरिंग विद इन ए सेल और सेल इज इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर नहीं समझ आया डियर, इंटरसेलुलर यानी कि क्या है, दो सेल्स के बीच से जो भी आपके पोर्स हैं उनके थ्रू आपका आ गया। बट इंट्रासेलुलर क्या है, आपका इंट्रासेलुलर क्या है, जो भी हमारी ड्रग्स हैं, अलग अलग टाइप्स के जो हमारे सेल्स हैं या फिर डायरेक्ट वो आ रहा है तो हमारे किस में आएगा, इंट्रासेलुलर में आएगा। देन आपका क्या आता है, इसमें ऑइंटमेंट मेनली इमोलियंट। इमोलियंट यानी कि सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसा इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, सूदिंग इफेक्ट और प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या, प्रोटेक्टिव। देन टाइप ऑफ बेस, टाइप ऑफ बेस से भी इसका क्वेश्चन पूछता है कि कौन से बेस आपके वाटर सोल्यूबल है, कौन से आपके लिपिड सोल्यूबल है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए ये चार्ट है जिसमें उसका एक समराइज वे में आपका इसमें मेंशनड है। तो सबसे पहला है आपका कॉम्पोजिशन के बारे में, ओलिजिनस बेस है, एब्जॉर्प्शन बेस है, वाटर वॉसिबल है, वाटर सॉल्युबल। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छा ऑइंटमेंट बेस हम किसे रिकमेंड करते हैं, इसका आंसर जल्दी से दीजिए एनीवन। वॉइस स्लो है,
सबसे जो आपका आइडियल या फिर बेस्ट आपका ऑइंटमेंट बेस हम किसे रिकमेंड करते हैं या फिर मोस्ट वाइडली कौन सा यूज होता है? एनीवन कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से। कालीम रजा ग्रीफ का साइज रिडक्शन भी ज्यादा, यस डियर साइज रिडक्शन भी ज्यादा करते हैं ताकि पार्टिकल साइज आपके बहुत ज्यादा फाइन होंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। प्रोपाइलीन इथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है आपका मोस्ट वाइडली यूज होता है और इसे गुड भी माना जाता है। किसको? प्रोपाइलीन इथिलीन ग्लाइकॉल को। चलिए बेस के टाइप्स में लिए हमारे हैं ओलियोजिनस, एब्जॉर्प्शन, वाटर वॉसिबल एंड वाटर सोल्यूबल। इसके नाम में ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके छिपे हुए हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जो भी हमारे फैट हुए, लिपिड लविंग हुए, लाइक आपका आप देखेंगे डालडा हुआ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, घी हुआ, ये सारे आपके किस टाइप्स के होते हैं? लिपोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक होते हैं। देन अगर इसमें बात करें ड्रग रिलीज की, मेन जो होता है वो किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? ड्रग रिलीज से पूछा जाता है इसमें आपका, जो कि पुअर होता है। देन आपका आता है क्या, वॉसिबिलिटी, नॉन वॉसिबल होते हैं। नॉन वॉसिबल क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रीसी अपियरेंस ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नॉन वॉसिबल होते हैं। स्वेडेबिलिटी इनकी डिफिकल्ट होती है। क्यों डिफिकल्ट होती है? क्योंकि या तो सॉलिड्स होते हैं, और हाइड्रोफोबिक मेन क्या होता है, सॉलिड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे यूजुअली सॉलिड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेडेबिलिटी इनकी पुअर होती है। देन आते हैं एब्जॉर्प्शन बेस पे। एब्जॉर्प्शन ये किस टाइप के होते हैं? वाटर इन ऑयल, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के ये इमल्शन को फॉर्म करेंगे। इसको वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन को फॉर्म करेंगे। देन ड्रग रिलीज की बात करें तो पुअर टू फेयर है, और वाटर वॉसिबल की बात करें तो इसमें क्या है, फेयर टू गुड है, एंड वाटर सोल्यूबल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा गुड होता है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं अगर, तो रॉ मटेरियल्स में मेनली हमारे हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो भी हमारे ओलियोजिनस बेस हैं, जो भी हमारे ओलिजिनस बेस हैं उसके बारे में है हमारा क्या, मेनली मिनरल ऑयल और पेट्रोलेटम। पेट्रोलेटम यानी कि जो सॉफ्ट पैराफिन है वही हमारा क्या, पेट्रोलेटम एंड मिनरल ऑयल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फाइबर और लॉन्ग फाइबर, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो इसको समझ लीजिए। शॉर्ट फाइबर क्या होते हैं? ये मेनली आपका इजली रप्चर हो जाते हैं। कौन से? शॉर्ट फाइबर आपके इजली रप्चर होते हैं, और किसी भी तरीके की ये फिल्म नहीं फॉर्म करते, क्योंकि जब ये इजली रप्चर हो जाएंगे तो ये फिल्म फॉर्म नहीं करेंगे। देन आता है कौन सा, लॉन्ग फाइबर, ये क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट फिल्म फॉर्म करते हैं और इजली ये रप्चर नहीं होते, ये इनका मेन डिफरेंस होता है। देन आता है दूसरा हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन वैक्स। हाइड्रोकार्बन वैक्स हाइड्रोकार्बन वैक्स में आपका मेनली क्या आता है, ओजोकेराइट आता है। देन ओजोकेराइट में क्या होता है, कलर इसका यूजुअली ब्लैक होता है, एंड आफ्टर रिफाइनिंग इट्स कलर, इसका कलर क्या होता है, मेनली येलो टू व्हाइट होता है, ये कि जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये ओजोकेराइट आपका इंपॉर्टेंट भी है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्या, पैराफिन वैक्स, सीरीन, क्रिसिन एंड ओजोकेराइट प्लस मिक्स मिक्सचर ऑफ पैराफिन वैक्स, देन सिंथेटिक वैक्स, सिंक्रो वैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, ओलेजिनस सब्सटेंसेस आते हैं। इसमें आपका यूजुअली जो भी आपके इडिबल ऑयल्स हैं, लाइक आपका पीनट ऑयल है, एलमंड ऑयल एंड सीसम ऑयल, जो कि प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, ये आपके आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका BHT और BHA है, लाइक इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड टोलुइन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट इसका किस आपका जो BHT है उसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो BHA है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आते हैं हम किस पे, फैटी एसिड एंड एल्कोहल्स पे आते हैं, जिसमें आता है हमारा क्या, पाल्मिटिक एसिड और स्टियरिक एसिड, इसमें हमारा आता है किसमें, फैटी एसिड और एल्कोहल्स में। यूज इन वाटर रिमूवल क्रीम्स, ये मेनली किसमें होता है, वाटर रिमूवेबल क्रीम्स में यूज होता है।
लास्ट में आता है आपका इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो भी हमारे दो टाइप के डिफरेंट हमारे फेज होते हैं, लाइक बाई फेज जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है, और जो हमारे वाटर सोल्युबल सोप्स होते हैं वो भी एज ए इमल्सिफायर काम करते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डाइवेलेंट और दूसरा होता है मोनोवेलेंट। देन फॉर सेमी सॉलिड ये क्या फॉर्म करते हैं हमारा, जो वाटर सोल्युबल सोप होते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऑयल इन वाटर इमल्शन फॉर्म करते हैं, किसमें, सेमी सॉलिड में। देन नॉन आयनिक जो इमल्सिफायर होते हैं ये आपके ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दोनों टाइप के आपके फार्मास्यूटिकल इमल्सिफाइंग एजेंट्स में यूज किए जाते हैं। चलिए कालिम जजा चार्ट रिपीट करो इनिशियल। बच्चे चार्ट में वही सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही हमने डिस्कस की है, लाइक आपका कंपोजिशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो आपके लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं या हाइड्रोफोबिक होते हैं। देन उसके बारे में इसके चार्ट वाइज आपका दिया हुआ है वाटर कंटेंट के बारे में, वाटर एफिनिटी कैसी है, लाइक हाइड्रोफोबिक है। देन आपका जो एब्जॉर्प्शन है, देन अदर जो भी तीनों है उनकी क्या है, हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर लविंग है। और जो मोस्ट आपका मोस्ट वाइडली होता है यूज होता है वो आपका वाटर सोल्यूबल होता है, क्यों, क्योंकि जो ड्रग रिलीज होता है वो आपका गुड होता है। देन इसके स्प्रेडेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो मॉडरेट टू इजी होती है। स्प्रेडेबिलिटी के टेस्ट भी होते हैं जो कि अभी आगे हम ऑइंटमेंट में डिस्कस करेंगे, जो कि उसके इवेल्युएशन में मेनली हम यूज करते हैं। देन आता है कमर्शियल एग्जाम्पल, तो कमर्शियल एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। व्हाइट पेट्रोलेटम होता है हमारा ओलेजिनस का, एंड एब्जॉर्प्शन बेस में मेनली हमारे यूसरीन और एक्वा बेस यूज होते हैं, यूनि बेस होता है हमारा वाटर सोल्यूबल में। इसी तरीके से ये सारे आपके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, पॉलीओल्स पे। पॉलीओल्स से रिलेटेड एक आपका ड्रॉबैक है सिरप में, कैप लॉकिंग। कैप लॉकिंग कोई बताएगा कैप लॉकिंग में क्या होता था, एनीवन? कैप लॉकिंग में क्या होता था, जो भी आपकी सिरप होती थी उसके कैप पे क्या होते थे, क्रिस्टल फॉर्म हो जाते थे। क्या होते थे, क्रिस्टल फॉर्म होते थे, या तो ये कह सकते हैं जो हमारा सिरप की कंसंट्रेशन है, लाइक सिरप आईपी की 66.67, तो उसमें क्या होता था, इस कंसंट्रेशन से जब ज्यादा होता था तो क्रिस्टल ग्रोथ होती थी, उसको हम ओवरकम करने के लिए पॉलीओल्स का यूज करते थे, और इससे आया हुआ क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये यूजुअली एज ए ह्यूमेक्टेंट काम करते हैं। अब ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, ह्यूमेक्टेंट जो आपके मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, लाइक आपका ग्लिसरीन हुआ, ये सारे आपके ग्लिसरीन है, सॉर्बिटॉल है, और ये सारे आपके किसके, पीपीजी है, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, ह्यूमेक्टेंट के हैं। देन सॉर्बिटॉल आपका क्या होता है कि वो ग्लिसरीन से ज्यादा आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है। देन अब आपका इंपॉर्टेंट आ गया है, टाइप ऑफ ऑइंटमेंट ऑब्टेन बाई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। इससे आपका कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑइंटमेंट की बात जब भी होगी, ढक्कन का लॉक होना, हाँ बेटा लवी चौधरी, कैप लॉक, ढक्कन का लॉक होना। देन ऑइंटमेंट टाइप की बात करें, ऑइंटमेंट बेस की, किस टाइप का बेस हमारा किस टाइप के ऑइंटमेंट टाइप के को मैन्युफैक्चर कराएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन चारों में से पूछा हुआ है कि किस टाइप का। सपोज आपका एब्जॉर्प्शन बेस है तो वो आपका हाइड्रोफिलिक टाइप का ऑइंटमेंट मैन्युफैक्चर कराएगा, बनाएगा। देन अगर इमल्सी वाटर सोल्यूबल बेस की बात करें तो आपका इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट को वो फॉर्म करेगा। इसी तरीके से आपका इमल्सन बेस हो गया, वो आपका ऑयली क्रीम को फॉर्म करेगा, और जो आपके ओलिजिनस बेस है वो आपके सिंपल ऑइंटमेंट को फॉर्म करेंगे। ऑइंटमेंट से रिलेटेड एक और आपका क्वेश्चन आता है अक्सर, कि ट्रिपल रोलर मील जो होती है वो किस में यूज की जाती है, तो वो याद रखिएगा कि ट्रिपल रोलर मिल जो होती है वो आपके मेनली ऑइंटमेंट में यूज की जाती है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब प्रिजर्वेटिव की बात करें तो वही हमारे मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन और डोविसिल, ये इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दूं, ये नाइपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि डोविसिल 200 ये तो ब्रांड नेम है, बट इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर आएगा, एनीवन, डोविसिल 200 जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
एनीवन। बच्चे डोविसिल में क्या होता है, डोविसिल में मेनली हमारा क्वाटरनियम 15 ये होता है एक कंपाउंड, वो होता है जो एक्ट करता है एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कौन? डोविसिल 200, डोविसिल 200 ये याद रखिएगा। चलिए देन आते हैं पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में क्या होता है, यूजुअली ये क्या करते हैं, हम स्किन पे एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या कराते हैं, इरिटेशन कॉज कराते हैं, देन उसके हम पर्टिकुलर जो ऑइंटमेंट है उसकी सेंसिटिविटी या फिर स्किन इरिटेशन पे, स्किन पे क्या इफेक्ट दे रहा है, इरिटेटिव इन नेचर है या फिर इरिटेशन नहीं दे रहा है, इस टाइप का हम उसमें इवेल्युएशन करते हैं। देन आता है पेस्ट। पेस्ट से पहले हम ऑइंटमेंट में एक और चीज डिस्कस करना चाहेंगे कि जो भी हमारा ऑइंटमेंट है उसके बनाने के मेनली चार मेथड होते हैं, ऑइंटमेंट प्रिपरेशन के मेनली हमारे चार मेथड होते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा फ्यूजन मेथड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप्स बताइए कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑइंटमेंट प्रिपरेशन के, एनीवन जल्दी से। चार टाइप्स होते हैं, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है फ्यूजन मेथड, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए कौन कौन से हमारे टाइप्स हैं। सेकेंड वन है हमारा ट्राइचुरेशन मेथड, फर्स्ट है फ्यूजन मेथड, थर्ड वन आता है हमारा कौन सा, केमिकल मेथड, फोर्थ वन है हमारा डाइल्यूशन, मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजन मेथड की। फ्यूजन मेथड में होता क्या है, फ्यूजन मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारे ड्रग मेडिकामेंट है, सपोज हमारे चार मेडिकामेंट हैं ए बी सी डी, सपोज कर लिया चार हैं और चारों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं। सपोज इसका 90 है, ठीक है, इसका आपका हो गया समझ लीजिए 70, 50 देन 30, चारों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जो हमारा पैन है यानी कि जिसमें हम ऑइंटमेंट को मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है उस टेम्परेचर पे ले जाएंगे, 90 डिग्री पे हम हीट करेंगे, थर्मामीटर से हम मेजर करते रहेंगे, ठीक है। थर्मामीटर से जैसे ही हम मेजर करेंगे 90 हो गया तो हम कंपाउंड ए उसमें डालेंगे जिसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है 90 डिग्री है। देन सेकेंड वन आता है हमारा बी जिसका मेल्टिंग पॉइंट है हमारा क्या 70, देन 70, देन इसी तरीके से हम टेम्परेचर बिलो करते जाएंगे, 70 के बाद आएगा हमारा 50 देन 30, इसी तरीके से करके ए बी सी डी हम चारों को डिजॉल्व कर देंगे। अब सबके किसी के मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हम चारों को एक ही टेम्परेचर पे भी तो मिक्स कर सकते हैं, जितने पे हमने ए को किया बी सी डी हम सबको 90 पे भी तो कर सकते थे, बट बच्चे जो हमारा डी सी और बी है इनके क्या है टेम्परेचर अलग अलग है, हो सकता है कि 90 डिग्री सेल्सियस पे ये अपनी प्रॉपर्टी जो इनकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी है उसको खो दें, जिसकी वजह से ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना प्रोवाइड करें। इसलिए टेम्परेचर क्या होता है इसमें धीरे धीरे और कंटिन्यूअसली हम इसमें स्टर करते रहते हैं, इसलिए ये टाइम टेकिंग भी होता है, कौन सा, फ्यूजन मेथड। तो ये हो गया हमारा कौन सा, फ्यूजन मेथड, जिसमें हम क्या करा रहे हैं आपस में फ्यूज करा रहे हैं जो भी हमारे मेडिकामेंट्स हैं, इसमें हमारा एपीआई है प्लस बेस है और कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं उसको स्टर कर रहे हैं। देन आता है हमारा ट्रैचुरेशन मेथड। ट्रैचुरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मोटार पेसल लेते हैं, मोटार पेसल लेते हैं और क्या करते हैं उसमें, सपोज हमारा ये मोटार है ये पेसल है और इसको क्या कहते हैं उसमें मिक्स करते हैं, आपने देखा होगा। तो मेनली इसमें क्या होता है, इसका एक बेनिफिट ये होता है साइज रिडक्शन और मिक्सिंग दोनों चीजें एक ही टाइम पे होती हैं, ये होता है आपका मोटार ट्रैचुरेशन मेथड। देन थर्ड वन पे आते हैं हम जो कि हमारा क्या था, केमिकल मेथड। इसका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका बेटाडीन का। बेटाडीन आपका बेस्ट एस्ट्रिंजेंट है। अब एस्ट्रिंजेंट वो होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराते हैं, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है उसको प्रेसिपिटेट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करते हैं, इतना समझिए।
देन आता है हमारा क्या, बेटा डीन, जिसमें यूजली हमारा क्या होता है, आयोडीन होता है। अब ये जो आयोडीन होता है ये ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है और ना तो ये ऑयल में सॉल्युबल होता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि ये ना तो ऑयल में सॉल्युबल हो रहा है और ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो हम करते क्या है, पोटेशियम आयोडाइड में हम क्या कराते हैं, पहले आयोडीन को मिक्स करते हैं जिसमें कि ये आयोडेट, इसमें ये पोटेशियम आयोडाइड में ये मिक्स हो जाता है। देन उसके बाद चाहे तो हम इसको ऑयल में या तो वाटर में मिक्स कराते हैं। तो इसमें हम क्या करा रहे हैं, केमिकल की हेल्प ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ये हो गया कौन सा हमारा, केमिकल मेथड। देन तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोविडोन आयोडीन जो होता है हमारा एस्ट्रिंजेंट, उसके ऑइंटमेंट को बनाने के लिए हम कौन से मेथड को फॉलो करते हैं। चार ऑप्शन रहेंगे, उसी में आपका केमिकल मेथड रहेगा, सही आंसर आपको पता रहेगा, आप एकदम करेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट वन आता है आपका कौन सा, डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है, ऑइंटमेंट आपका ऑलरेडी बना होता है, डाइल्यूशन में क्या होता है, मेनली आपका जो आपका ऑइंटमेंट होता है वो बना होता है, बट उसको डाइल्यूट करते हैं। पर्पज क्या होता है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि हम किस लिए डाइल्यूशन करते हैं, किस केस में हमें डाइल्यूशन, ऑइंटमेंट के डाइल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। एनीवन कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए कि डाइल्यूशन जो भी ऑइंटमेंट का है हम किस केस में कराएंगे, किस केस में ऐसी नीड होगी कि हमें ऑइंटमेंट के डाइल्यूशन कराने की जरूरत होगी। बर्न के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, बर्न के केस में जो भी हमारे ऑइंटमेंट होते हैं लाइक वो क्या है आपके आप हाईली वो थिक है, ठीक है, और वो क्या है आपके डाइल्यूट फॉर्म में नहीं होते जो आपके मैन्युफैक्चर्ड रहते हैं, बट हम उसको जब डाइल्यूट करते हैं तो क्या कहते हैं, जब बर्न का जो केस रहता है, बर्न का पेशेंट रहता है, उसके स्किन पे इजिली क्या होता है, हम उस पर आराम से लेप उसका लगा सके, एक लेयर फॉर्म हो सके, ठीक है। तो कंसंट्रेशन लो करने के लिए, यस डियर, कंसंट्रेशन लो करने के लिए, बट मेन जो पर्पज होता है बर्न के केस में होता है, और जो भी लाइक आपका स्किन के सरफेस पे अगर कोई वुंड है आपके लार्ज एरिया पे है तो उस केस में भी, और कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए भी मेनली हम करते हैं डाइल्यूशन मेथड। जो बर्न के केस में हमारी ड्रग्स यूज होती हैं, जल्दी से बताइए बर्न के केस में ड्रग्स कौन कौन सी यूज होती हैं, एनीवन कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। जो सिल्वर होता है हमारा, सिल्वर कंपाउंड होता है, उसमें होती है एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी, सिल्वर, सल्फासीटामाइड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, बर्न के केस में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया क्या, ऑइंटमेंट के चार मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, उससे कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। वेरी गुड डियर, मेफेनाइड, सल्फासेलाजीन, सल्फासीटामाइड, ये सारे हमारे किस में यूज होते हैं, बर्न के केस में ये एंटीबायोटिक्स हमारी यूज होती है। और एक ऑइंटमेंट बेस का एक और इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी ऑइंटमेंट बेस है हमारा वो अपने टोटल अमाउंट का, अपने टोटल अमाउंट का 50% कितना, 50% मेडिकामेंट होल्ड करना चाहिए, कोई भी मैक्सिमम 50%। सपोज हमारा 1 kg अगर ऑइंटमेंट बेस है तो एटलीस्ट 50% तक तो उसे मेडिकामेंट को होल्ड करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए जो आपके ऑइंटमेंट बेस है। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लाइक ये जो ऑइंटमेंट बेस है ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो, किसमें, सेल्स सरफेस में हमारी एब्जॉर्ब हो, और ऑइंटमेंट बेस जो है ये उसको एब्जॉर्ब करा के अपना सरफेस से ही रिमूव हो जाए। दूसरा, ये ड्रग के साथ उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को अल्टर ना करे, या लाइक आपका जो भी ड्रग है सपोज कीटोकोनाजोल है, उसको हम टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ हमारा ऑइंटमेंट बेस है, तो ऐसा ना हो कि कीटोकोनाजोल को हमने ऑइंटमेंट बेस में डाला और ये कीटोकोनाजोल को ही डिग्रेड कर दे। ये सारे जो है हमारे आइडियल ऑइंटमेंट बेसिस की प्रॉपर्टी है। देन आते हैं हम पेस्ट पे, पेस्ट जो होते हैं हमारे, इसमें हाई अमाउंट ऑफ आपका इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है,
मेन आपका जो होता है इसमें एब्रेसिव इन नेचर होते हैं, लाइक एग्जांपल के लिए आपका जो टूथपेस्ट होता है इसमें जो होता है आपका सॉलिड एब्रेसिव इन नेचर होते हैं। एब्रेसिव टर्म से ही समझ में आता है, प्लाक को रिमूव करना इसका मेन पर्पज होता है। क्या होता है? प्लाक को रिमूव करना इसका मेन पर्पज होता है। देन आती है हमारी क्या, पेस्ट के बारे में। जनरली थिक होते हैं, यानी कि क्या होता है थिक, मतलब आपका थिकनेस इसकी ज्यादा होती है। देन स्टिफ एंड कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। देन आता है हमारा पेस्ट जो होता है लेस ग्रीसी होता है देन ऑइंटमेंट। क्या होता है? लेस ग्रीसी होता है ऑइंटमेंट के कंपेरिजन में। देन क्या होता है ये, पोरस और पर्सपायरेशन इसमें प्रॉपर्टी होती है। पोरस होते हैं जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, स्वेट इसमें से स्केप कर सकता है। पोरस मतलब पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और पर्सपायरेशन मतलब स्वेटिंग जो होती है इसके थ्रू। और एक जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोराइड कंटेंट इसमें 1000 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, ये आप जरूर याद रखिएगा। फ्लोराइड कंटेंट आपका कितना, नॉट मोर देन 1000 parts per million, इसमें किसमें, पेस्ट के केस में। देन आता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, किसके, पेस्ट के। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी दो टाइप की होती है, या तो वो किस लेवल पे होगी, स्मॉल लेवल पे होगी, दूसरा लेबोरेटरी लेवल पे होगी, दूसरा क्या होगी, कमर्शियल लेवल पे होगी। तो कई बार आपका नाम पूछता है डायरेक्ट, और पूछता है कि इसमें से कौन सा आपका कमर्शियल लेवल है, या फिर ये पूछ लेगा कि कौन से आपके हैं जो इसमें से स्मॉल स्केल पे यूज किए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला आता है फ्यूजन, फैशन हो गया था, फ्यूजन मेथड ये आपका, और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन मेथड। इनकॉर्पोरेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हमारी लैब स्केल पे मोटारो पेसल, मेनली मोटारो पेसल यूज करते हैं, और सेकंड में हमारा स्लैब और स्पैचुला। स्पैचुला ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में जब भी हमारा कोई मेडिकामेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, स्पैचुला के थ्रू मिक्स करते हैं स्लैब पे पर्टिकुलर एक बेस लेके, तो वो हमारा स्पैचुलेशन में आता है। सेकेंड आता है इंडस्ट्रियल स्केल, जिसमें आता है हमारा प्लेंट्री प्लेनेटरी मिक्सचर्स आते हैं, और दूसरा आता है स्टेनलेस स्टील केटल मिक्सचर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एक स्केल का आपका पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका क्या, क्रीम। क्रीम मेनली हमारी दो टाइप की होती हैं, क्रीम मेनली दो टाइप की होती हैं, एक्वस क्रीम और दूसरी ऑयली क्रीम। कौन कौन सी, एक्वस क्रीम और ऑयली क्रीम। इसमें वही हमारा इमल्सन वाला ही रोल है। एक्वस क्रीम में हमारा क्या होगा, ऑयल इन वाटर होगा, यानी कि जो वो हमारा वाटर है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। और इसके एग्जाम्पल से मेनली आपका क्वेश्चन पूछता है, लाइक आपका वेनिसिंग क्रीम इसका एग्जाम्पल हुआ। देन आता है आपका ऑयली क्रीम। ऑयली क्रीम में आपका जो कंटिन्यूअस फेज होता है वो क्या होता है, ऑयल होता है, और वाटर आपका डिसकंटिन्यूअस फेज होता है। मेन पर्पज क्या होता है, ये एक्सटर्नल स्किन पे आपके अप्लाई किए जाते हैं। डिफरेंस आइए हम समझते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन और वाटर इन ऑयल इमल्शन, जो कि हमने पहले भी इमल्शन में हमने डिस्कस किया है। लाइक वाटर जो कि अभी हमने बात की कंटिन्यूअस फेज में होता है, किसमें, ऑयल इन वाटर में। वनिसिंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोफिलिक होता है, कौन सा हमारा, ऑयल इन वाटर, क्योंकि कंटिन्यूअस फेज में हमारा क्या है, वाटर है। देन वाटर वॉशेबल बेसिस यूज होते हैं, और यूजुअली कोई भी इसमें फिल्म फॉर्म नहीं होती क्योंकि ये नॉन ग्रीसी होते हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट वाटर इन ऑयल में हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फेज जो होता है हमारा क्या होता है, ऑयल होता है। देन आता है हमारा क्या, इसका एग्जाम्पल बीज वैक्स क्रीम और कोल्ड क्रीम, ये सारे हमारे क्या आते हैं, किसके एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शंस के। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट क्रीम जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। लाइक आपका कोल्ड क्रीम है वो किस टाइप का है, वाटर इन ऑयल टाइप का है। वनिसिंग क्रीम, वनिसिंग क्रीम यानी कि ये क्या होता है, एक तरीके से किसी भी टाइप का आपका फेस पे कुछ भी है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, वनिस कर देता है, वो दिखाई नहीं देता, तो वो आपका क्या होता है, मेनली वनिसिंग क्रीम। देन आपका क्लींजिंग क्रीम भी होता है, जिसमें क्या होता है, डिटर्जेंट मेनली यूज होता है, किस लिए, क्लीनिंग के पर्पज से मेनली यूज होता है। सनस्क्रीन मेनली यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड मोस्ट इफेक्टिव हमारे सनस्क्रीन में आते हैं। और ये क्या है, हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट डोजेस फॉर्म आती है हमारी क्या, जेल। कौन सी हमारी नेक्स्ट डोजेस फॉर्म, जेल आती है। तो
तो जेल में क्या होता है, मेनली ये हमारी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और जेल में एक खास बात और है, हमारे इनसॉल्यूबल मेडिकामेंट नहीं यूज होते हैं। किसमें? जेल में। जेल में हमारे इनसॉल्यूबल मेडिकामेंट नहीं यूज होते हैं। और एक इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्वेश्चन आया हुआ है इसका, कि जो इसमें फिल्म फॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो 1% अगार वाटर में यूज करते हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं? जेल्स की बात कर रहे हैं। देन जेलिंग एजेंट से आपका क्वेश्चन पूछता है, यस डियर एज ए ओपेसिफायर भी यूज होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अगर हम टेबलेट की बात करें तो बताइए टेबलेट में हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड किस पर्पज से यूज होता है? एनीवन आंसर दीजिए। टाइटेनियम डाइऑक्साइड देन जेलिंग एजेंट आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आपका एल्जिनिक एसिड, कार्बोमर और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सीएमसी, ये सारे आपके क्या है, जेलिंग एजेंट में आते हैं। देन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली दो होते हैं, एक होता है आपका सिंगल फेज सिस्टम, दूसरा होता है डिस्पर्स टू फेज सिस्टम। अब टू फेज नाम से ही पता चल रहा है, एक तो इसमें क्या होगा, सॉलिड होगा, और एक तो होगा कौन सा आपका जेल फेज होगा। और जो आपका सिंगल फेज है इसमें क्या है, मेनली आपके इसमें हाइड्रोफिलिक पॉलीमर जेल इसमें यूज होता है। इसमें आपके दो टाइप के होते हैं, केमिकल जेल होता है और फिजिकल जेल होता है, मे बी कोटिंग सूर्या फार्मेसी प्रिजर्वेटिव। बच्चे प्रिजर्वेटिव टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज ए प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करते, कोटिंग में यूज करते हैं समटाइम्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल जेल। केमिकल और फिजिकल जेल के बीच में क्या इंपॉर्टेंट है, बीच में क्या डिफरेंस है, वो चलिए हम डिस्कस करते हैं। बॉन्ड की बात करते हैं, कि ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका केमिकल जेल में कौन से बॉन्ड होते हैं और फिजिकल जेल में कौन से बॉन्ड होते हैं। तो केमिकल जो जेल्स होती है मेनली उसमें कोवेलेंट इंट्रैक्शन होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और वहीं आपका जो फिजिकल होता है उसमें हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या वंडरवॉल आपके बॉन्ड्स पाए जाते हैं। केमिकल, इसमें केमिकल्स में क्या होता है, एक बार आपकी रिएक्शन हुई, देन उसके बाद आपका रिएक्टेंट हुआ, देन उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, देन उसके बाद ये वापस उस पर्टिकुलर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और जो कि आपका जो फिजिकल होता है वो रिवर्सिबल होता है। देन आपका क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल एक्राइलेट एंड जेल ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव। किसके एग्जाम्पल है आपके? फिजिकल जेल के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इवेल्युएशन ऑफ जेल, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जेल्स के इवेल्युएशन में आपके कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो पहला आता है आपका यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी आपकी बॉटल जो होती है वो डिफॉर्म होती है, उसमें क्या कहते हैं हम मेनली पेनेट्रोमीटर, क्या कहते हैं हम पेनेट्रोमीटर का यूज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है पेनेट्रोमीटर, उसको उस पर्टिकुलर सिस्टम में हम पेनिट्रेट कराते हैं। देन जितना वो नीडल पर्टिकुलर पेनिट्रेट होती है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और जो यील्ड आती है जो टोटल आपका आउटपुट आता है वो हमारा मेनली होता है क्या, यील्ड वैल्यू इस पर्टिकुलर हमारे जेल के इवेल्युएशन में। देन दूसरा आता है हमारा स्प्रेडबिलिटी। स्प्रेडबिलिटी में क्या होता है, हमारे दो हमारे सरफेस होते हैं, जो आपका लोअर सरफेस होता है ये नॉन मूवेबल होता है, यानी कि ये मूव नहीं करता है, और जो अपर सरफेस होता है ये मूव करता है। और इस पे क्या करते हैं हम फोर्स अप्लाई करके पर्टिकुलर जेल हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और इसको रोल कराएंगे, और जितनी स्प्रेडबिलिटी होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देन वही हमारा क्या होता है, स्प्रेडबिलिटी को क्या कराता है, डिफाइन कराता है। लाइक जो ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इसको डिफाइन करती है, उसी पे ये बेस करता है। रियोलॉजी मतलब क्या, जो आपका फ्लो ऑफ लिक्विड्स है। देन स्प्रेडेबिलिटी जो होती है, टेस्ट होती है स्किन के ऊपर ये कितना अच्छा अप्लाई हो रहा है वो हमारा डिटरमाइन करता है। जैसा कि ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, दो है हमारे, दो स्लाइड है। पहला कौन सा है हमारा, ये नॉन मूवेबल है, और ऊपर की जो स्लाइड है ये क्या हो रही है, मूव हो रही है, और बीच में हमारा ये ऑइंटमेंट या जो भी जेल है उसको हम रखेंगे। देन उसके बाद ये पर्टिकुलर स्केल है जिसपे रीडिंग्स हमारी मेंशन होगी, और यहाँ पे वेट अप्लाई करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो ये आता है हमारा किसमें, स्प्रेडबिलिटी टेस्ट में। यही आपका मेथड लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इसमें आपका
प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रूडेबिलिटी में। एक्सट्रूडेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी आपका ऑइंटमेंट का ट्यूब है उससे कितनी इजिली आपका ऑइंटमेंट उससे बाहर आ रहा है। सिंपल इसमें यही मेथड आपका मेंशन है, यही चीजें आपकी मेंशन है कि कोई भी आपका क्या है ऑइंटमेंट की ट्यूब है उससे कितना ट्यूब या फिर पैक है उससे कितना इजिली आपका बाहर आ रहा है वो आपका डिफाइन करता है क्या एक्सट्रूडेबिलिटी किसके आपके ऑइंटमेंट को। नेक्स्ट आपका आता क्या है स्टेबिलिटी। जब भी हमारा कोई भी डोजेस फॉर्म होता है वो अलग अलग प्लेसेस जियोग्राफिकल कंडीशन से क्या होके गुजरता है लाइक अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट हो रहा है या फिर अलग अलग स्टेट में जा रहा है तो टेम्परेचर भी हमारा उस पर वेरी करता है क्या टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो इसमें हम क्या कराते हैं टेम्परेचर को चेंज करा के हम ये चीजें देखते हैं कि टेम्परेचर का हमारी जेल की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसके टेम्परेचर का। देखिए यहाँ पे मेंशन है इस टेस्ट को हम शिपिंग टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है हम टेम्परेचर को मेनली वेरी करा के हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर इफेक्ट क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज इसमें आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको जरूर ध्यान से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है सिंथेसिस में मेनली आपका क्या होता है जो भी आपका डिस्पर्जन मीडिया है क्या डिस्पर्जन मीडिया वो क्या होता है पर्टिकुलर जेल से आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो जेल क्या हो जाती है श्रिंक हो जाती है। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा ये कई बार पूछा हुआ है। देन इम्बिबिशंस क्या होता है पर्टिकुलर जो हमारा जेल है वो कितना आपका लिक्विड को होल्ड कर पा रहा है विदाउट ए मेजरिंग इंक्रीज वॉल्यूम किसी भी तरीके के वॉल्यूम को मेजर किए हुए वो कितना ज्यादा से ज्यादा आपका होल्ड कर पा रहा है लिक्विड कोई भी जेल आपका। सेकेंड वन आपका आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग नाम से ही आपका मेंशन करता है कितना ज्यादा ये बल्क रिटेन कर पा रहा है किसका लिक्विड का लिक्विड जेल जो है कितना ज्यादा से ज्यादा आपका लिक्विड रिटेन कर पा रहा है और वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। सिंथेसिस हमने अभी डिस्कस कर लिया कि सिंथेसिस में क्या होता है कि हमारा जो भी हमारी लिक्विड है डिस्पर्जन मीडिया है वो क्या होता है हमारे जेल से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लास्ट आता है हमारा क्या जीरो जेल्स जीरो जेल या फिर सॉलिड जेल जैसा कि नाम ही इसका डिफाइन कर रहा है जीरो जेल यानी कि इसमें किसी भी तरीके का आपका लिक्विड नहीं होगा लिक्विड कंप्लीटली इसमें से आपका क्या होगा रिमूव्ड होगा। देन इसमें क्या होता है मेनली केवल फ्रेमवर्क ही रहता है। एग्जाम्पल्स इसके याद रखिएगा जिलेटिन सीट एकेसिया टीएस एंड ट्रागाकैंथ इसके मेन एग्जाम्पल है। देन लास्ट आपका आता क्या है जेलीज। जेलीज में क्या होता है आपके ट्रांसपेरेंट नॉन ग्रीसी और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जो कि मेनली आपके एक्सटर्नल पार्ट्स पे अप्लाई की जाती है और भी कई पर्पस से होता है। स्पर्मिसाइडल जेलीज भी आती है और आपके मॉइस्चर रिटेन करने के लिए भी हम कई बार यूज करते हैं। हेयर जेल्स आती हैं ये सारे आपके जेलीज होती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी हम जेलीज का यूज करते हैं। देन मेन जेलिंग एजेंट आपका ट्रागाकैंथ। मेन जेलिंग एजेंट आपका क्या होता है ट्रागाकैंथ पेक्टिन और जिलेटिन यूज होता है। लेस ग्रीसी होते हैं एज कंपेयर टू जो भी हमारा जेल्स होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन और लुब्रिकेटिंग एज ए लुब्रिकेटिंग पर्पज से या एंटीसेप्टिक पर्पज से ये मेनली हमारे जो जेल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड्स इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स भी हैं लाइक आपका जो विस्कोसिटी है वो किससे मेजर करते हैं तो वो हम किससे ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर से यूज करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो पहले ही हमने हाईलाइट कर दिया है और एग्जाम में ये पूछे गए हैं तो उसको आप याद रखिएगा। देन ड्रग कंटेंट क्या होता है ड्रग कंटेंट डिटरमाइंड बाई फार्माकोपियल एसे जो भी हमारे फार्माकोपियल एसे होते हैं आप पढ़ेंगे अलग अलग आपके ड्रग्स के एसे होते हैं जो कि प्योरिटी को डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारी ड्रग की प्योरिटी है वो उसमें कितना आपके इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो कितना प्योर है। देन आपका आता है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ड्रग डिफ्यूजन स्टडी में हम किस मेथड का यूज करते हैं फ्रेंच डिफ्यूजन सेल असेंबली का यूज करते हैं किसमें ड्रग डिफ्यूजन असेंबली में। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन आपका आता है क्या आई इरिटेशन स्टडीज जो भी हमारे प्रिपरेशंस हैं वो किसी तरीके की आई में आपका इरिटेशन तो नहीं कॉज कर रहे हैं ये सारे। देन स्प्रेडेबिलिटी के लिए अभी हमने बात की थी कि बिटवीन टू स्लाइड्स हम क्या कर रहे हैं ऑइंटमेंट को प्लेस कर रहे हैं और जो भी हमारी स्प्रेडेबिलिटी है उसको नोट डाउन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कंपेरेटिव समरी ऑफ सेमी सॉलिड्स।
इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेमी सॉलिड डोजेस हैं, आपका ऑइंटमेंट है, जेल है, क्रीम है, उनकी हम कंपेरिजन करते हुए एक सिंपल सा चार्ट है कि लाइक जो आपका ऑइंटमेंट है उनका अपियरेंस कैसा होता है, ट्रांसल्यूशेंट होता है, देन पेस्ट क्या होता है, डार्क इन कलर होते हैं। क्यों होते हैं डार्क इन कलर? क्योंकि मेनली इसमें क्या होता है, आपका इनसॉल्यूट मेडिकामेंट जो होता है, इनसॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। देन आता है आपका क्या, ओपेक क्रीम्स क्या होती है, यूजली आपकी ओपेक होती है, ओपेसी एज ए ओपेसीफायर वो लेयर फॉर्म करती है। लास्ट में आपके जेल्स क्या होते हैं, आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर कंटेंट होता है जेल्स में और सबसे ज्यादा होता है। देन आपके ऑक्लूसिव ऑर्डर की बात करें तो जो आपका पेस्ट होता है वो क्या होता है, नॉन और स्लाइटली ऑक्लूसिव होता है। वही आपका क्रीम्स जो होती है वो वाटर इन ऑयल या फिर वाटर ऑयल इन वाटर आपकी ऑक्लूसिव होती है। बट वही आपकी जो जेल होती है वो किसी भी तरीके का आपका ऑक्लूसिव फिल्म फॉर्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये क्या करा रही है, स्किन को केवल ये मेनली हाइड्रेट, क्योंकि जो आपका है ड्यू बट हाइड्रेट स्किन ड्यू टू वाटर कंटेंट, मेनली क्या करा रही है, स्किन को हाइड्रेट करा रही है, मॉइस्चराइज करा रही है, क्योंकि इसका वाटर कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। देन पेस्ट क्या होते हैं, मेनली गुड प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि ये थिक लेयर फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू बोथ क्रीम एंड जेल के कंपेरिजन में। पुअर प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे कौन से, क्रीम्स। देन लास्ट में हमारा क्या होता है, जेल्स जो होते हैं नॉन प्रोटेक्टिव होते हैं। देन परसेंटेज की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, जो कि हमारे पेस्ट में क्या होते हैं, सॉलिड जो मेडिकामेंट होता है नियर टू 50% हमारा होता है जो कि सॉलिड और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। देन हमारा क्रीम क्या है, या तो ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल टाइप का सेमी सॉलिड फॉर्म करेगा। और जो जेलीज हैं वो क्या है, टू टाइप का हमने बात किया था, फिजिकल सॉरी डाइफेजिक और मोनोफेजिक। डाई में क्या था आपका, टू फेज थे, टू कंपोनेंट सेमी सॉलिड डिस्पर्जन थे जिसमें जेली लाइक कंसिस्टेंसी थी। देन आपका नेक्स्ट आता है क्या, जीपैड 2013। इसमें क्या है कि कल सर की क्लास होगी, अभिषेक सर की कल क्लास होगी, उसमें क्या है, जो भी हमारे 2013 सॉरी 2023 सॉरी डियर 2023 की बात हो रही है कि 2023 में जो भी हमारे एस्पायरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए जो भी हमारी ट्रिक्स है, क्या स्ट्रेटजी है, उसके बारे में सर हमें बताएंगे। लाइक पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से हमारे जो सब्जेक्ट है वो एज ए पिलर काम करेंगे, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट हैं जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं, थिंग्स टू रिमेम्बर क्या याद करना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस पे एग्जाम होता है ये, क्या चीजें आपको याद करनी है, ये सारे आपको उसमें एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बिगनिंग, यानी कि आपका ड्यूरिंग एग्जाम क्या आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बिगनिंग, स्टार्टिंग में आप जब भी कोई भी बिगनिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग लैक ऑफ गाइडेंस, समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो वो प्रॉब्लम सर डिस्कस करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि बहुत सारी आपकी ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन हैं, चीजें हैं कि बिना ट्रिक और बिना टिप्स के उनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इजी टू लर्न। हमारा जीडीसी क्या कह रहा है, इजी टू लर्न, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी हमारे टिप्स और ट्रिक्स हैं उसके भी आप पे आप जल्दी से जल्दी अपना सब्जेक्ट रिमाइंड कर पाएंगे और चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट में आपका क्या आता है, इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा है नहीं कि आप बहुत सारी बुक्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करिए, पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है। सपोज आप फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो केडीटी इज द बेस्ट बुक, आप सूटिक्स की बात कर रहे हैं तो लैकमेन है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, आप ट्रीज एंड इवांस कोग्नोसी के लिए। तो इसी तरीके से कल सर हमें गाइडेंस देंगे जो भी हमारे 2023 के स्टूडेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।